Assalamu alaikum dear viewers, I am Feroz Shah, a physics lecturer. In today's lecture, we are going to discuss some important concepts of electric field intensity and electric potential. Let me start. Electric field intensity and electric potential ya voltage ya potential difference inko mukhtalif situations mein hum kaise malum karenge. So dear students, the first case I want to share is if we have two oppositely charged plates, that is, if we have two oppositely charged plate, that is plate 1 and another plate 2. अगर हमारे पास दो oppositely charged plates हों, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस हों और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस हों और इसके दरमियान में किसी भी पॉइंट पर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? इस केस में आपको याद रखिए, इंटेंसिटी के लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.85 × 10^-12. और ये सिग्मा जो है, उम्मीद है आप जानते होंगे, इट इज द चार्ज डेंसिटी. इट इज द चार्ज डेंसिटी और ये आपको गिवन होगी. ये प्लेट्स पर चार्ज की डेंसिटी आपको गिवन होगी कि चार्ज की डेंसिटी क्या है. और चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया, where charge is the value of total charge on one plate and A is the total area of one plate and A is the total area of one plate. Furthermore, अब ऐसी situation में हम potential कैसे मालूम करेंगे? याद रखना, potential का जो equation है, that is equal to sigma by epsilon naught और D. वही चीज है, sigma by epsilon naught and D, सिर्फ D extra हो जाएगा potential. ये फॉर्मूले आप तब इस्तेमाल करोगे इंटेंसिटी के लिए और पोटेंशियल के लिए, जब अपोजिटली चार्ज प्लेट्स गिवन हो आपको. अच्छा, इसमें सिग्मा तो आप जान गए कि चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट भी आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हाट इज डी, इतना तो सबको पता होता है कि डी इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन वैक्टर या पोजिशन. लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये डिस्टेंस कहां से कहां तक, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, याद रखें, इस इक्वेशन में जब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट पर आप पोटेंशियल मालूम करोगे, उस इक्वेशन में स्मॉल डी जो होता है, ये दरअसल होता है डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट. ये गिवन पॉइंट का डिस्टेंस होता है कहां से, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट. कीप इन योर माइंड, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव प्लेट. ये नेगेटिव प्लेट से डिस्टेंस होगा. सो ये स्मॉल डी जो है यहां से यहां तक होगा, इट विल बी द स्मॉल डी. ये होगा पोटेंशियल मालूम करने के लिए, ये होगा. इट मीन जैसे जैसे आपका ये पॉइंट, अननोन पॉइंट जिस पर पोटेंशियल मालूम कर रहे हो, जैसे जैसे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ दिस डी. ये तो वो केस था जब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हो आपके पास और आपने उनके दरमियान पोटेंशियल या इंटेंसिटी मालूम करनी हो. अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूं फर्स्ट केस का जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूं, एंड द क्वेश्चन इज, अगर मैं कहूं टू प्लेट्स ऑफ एरिया 2 m² आर चार्ज्ड, टू प्लेट्स ऑफ एरिया 2 m² आर चार्ज्ड अप टू 10 C पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिस्पेक्टिवली.
यानी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज है. ओके, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होना चाहिए एट 10 मीटर फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, एट 10 मीटर फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट इफ दे हैव सेपरेशन ऑफ 50 मीटर, यहां कम कर लेते हैं 25 मीटर, इफ दे हैव सेपरेशन ऑफ 25 मीटर. अब मैं आपके लिए ऑप्शन लिख सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन अभी सोचा, अभी बनाया, तो हो सकता है ऑप्शन नॉन हो, लेकिन मैं ऑप्शन में एक नॉन रखूंगा. फर्स्ट करो द फर्स्ट वन, इट विल बी 15, और 15 इट विल बी 15 बाय एप्सिलॉन नॉट, 15 बाय एप्सिलॉन नॉट, और इट विल बी 75 बाय एप्सिलॉन नॉट, और इट विल बी 25 बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक ऑप्शन ले लेता हूं नॉन, क्योंकि अभी सॉल्व करूंगा आपके सामने. क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब आप समझिए. क्वेश्चन का मतलब यह है कि यह एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ चार्ज, और माय डियर स्टूडेंट्स यह है एक नेगेटिव प्लेट ऑफ चार्ज. ठीक है, एरिया गिवन है, चार्ज गिवन है, कीप इन योर माइंड स्टेटमेंट है. इनके दरमियान फुल सेपरेशन जो है वो 25 मीटर है, और आपसे कहा गया कि इधर से 10 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, आप पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करें. इस गिवन पॉइंट पर जो 10 मीटर फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट है, आप पोटेंशियल की वैल्यू जरा बता दीजिएगा. अगर आपको मेरी इससे पहले की बातें याद हो, तो टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का इवेल्युएशन का इक्वेशन था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और साथ में था डी. फिर मैंने आपको यह भी बता दिया था कि सिग्मा इज चार्ज डिवाइड बाय एरिया, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू ये चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट एरिया डी बन जाएगा. अब वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज की जगह आप पुट कर सकते हो, इन्होंने चार्ज की वैल्यू दी है 10 कूलम. 10 डिस्टेंस क्या पुट करोगे, आपको मैंने बताया ना कि ये डिस्टेंस इज एक्चुअली फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव से 10 है, इट मीन के नेगेटिव प्लेट से ये 15 मीटर होगा. सो कीप इन योर माइंड यू हैव टू पुट 15 मीटर बट नॉट 10 मीटर, नॉट 25 मीटर. अच्छा, तो डी की जगह हम 15 पुट कर लेंगे, और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, और एरिया जो है वो 2 है. आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 10 और 2 कैंसिल, इधर 5 आ जाएगा, 15 5 75 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज 75 बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इस तरह के क्वेश्चन इंटेंसिटी के भी आ सकते हैं, और वोल्टेज या पोटेंशियल के भी आ सकते हैं. ये तो पहला केस था डियर स्टूडेंट्स. अब मैं आपको पोटेंशियल और इंटेंसिटी मालूम करने का सेकेंड केस बताता हूं. द सेकेंड केस आई वॉन्ट टू डिस्कस, अगर सिमिलर चार्जेस हो, वेन टू सिमिलर चार्जेस आर गिवन, अगर दो सिमिलर चार्जेस गिवन हो, सिमिलर चार्जेस मीन के नेचर सेम हो, सिमिलर चार्जेस गिवन मीन नेचर सेम, अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, सो नेचर सेम हो, सिमिलर चार्जेस मीन कि उनका नेचर सेम हो. मैं साइन की बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, कीप इन योर माइंड वैल्यू भी सेम हो सकती है लेकिन वैल्यू कंपल्सरी नहीं. सिमिलर चार्जेस मीन नेचर सेम, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वैल्यू में कसदम चेंज दे रहा हूं +1, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वैल्यू मैं कसदन Q2 ले रहा हूं. दोनों Q भी ले सकता हूं लेकिन मैं डिफरेंस करना चाहता हूं. Q1 और Q2 दो सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्जेस मीन कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वैल्यू चेंज हो सकती है. अगर इसके सेंटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी पड़े, और अगर इसके सेंटर में, मैं सेंटर की बात कर रहा हूं कि बिन्योर माइंड,
और अगर इसके सेंटर में आपको पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करनी पड़े तो आप इक्वेशन कौन सा यूज करोगे? द इक्वेशन फॉर इंटेंसिटी इज जो भी है बट द रिजल्ट इज जीरो। दो सिमिलर चार्जेस जिनकी वैल्यू बराबर हो इंटेंसिटी जीरो होती है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स बेसिक ये सिम जब इक्वल चार्जेस हो फिर जीरो, अगर इक्वल ना हो तो जीरो नहीं भी हो सकती। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा होगा ई इज इक्वल टू के के होगा और Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय R स्क्वेयर। बट कीप इट इन योर माइंड द पॉइंट इज सेंटर। ये R क्या है इस K की, तो आप जानते हैं कि K इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। Q1 ये हो सकता है, Q2 ये हो सकता है। अच्छी बात ये होगी कि Q2 ज्यादा हो तो Q2 माइनस Q1 ले ले, Q1 ज्यादा हो तो Q1 माइनस Q2 ले ले। अगर चार्जेस इक्वल हो गए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि इधर जीरो आ सकता है, अगर चार्जेस इक्वल हो गए तो Q1 माइनस Q2 जीरो, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। K की वैल्यू तो आप समझ गए हैं, Q1 और Q2 की अपनी पर्सनल वैल्यूज होंगी। अगर इनका कोई डिफरेंस हो, तो इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी सेंटर पर। लेकिन अगर इनका डिफरेंस ना हो डियर स्टूडेंट्स और ये इक्वल चार्जेस हो तो फिर इंटेंसिटी जीरो रहेगी। ठीक है, ये तो जनाब आप K की वैल्यू पुट करोगे। R क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि R क्या है। सो याद रखना, R इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी चार्ज, किसी भी चार्ज चाहे वो Q1 हो चाहे वो Q2 हो, यानी Q1 से सेंटर तक भी R है और Q2 से सेंटर तक भी R है, तो वो आपको गिवन होगा। ये है जनाब इंटेंसिटी मालूम करना टू सिमिलर चार्जेस। मैंने आपसे कहा ना कि सिमिलर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी। अगर इक्वल आ गया तो इंटेंसिटी एट सेंटर जीरो है, और अगर इक्वल नहीं आया तो देयर विल बी अ नेट इंटेंसिटी एट द सेंटर बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। वैल्यू स्पोर्ट करके मालूम करोगे। पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल यही है, यही है, सिर्फ आर स्क्वेयर की जगह सिंगल आर और Q1 माइनस Q2 की जगह Q1 प्लस Q2। यानी पोटेंशियल नेट मस्ट बी इक्वल टू ये के Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय आर। एक तो आर से स्क्वेयर हट जाएगा और दूसरा Q1 और Q2 के दरमियान माइनस के बजाय प्लस आ जाएगा। चाहे ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हो चाहे ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, यहां पॉजिटिव रहेगा यहां नेगेटिव रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, चाहे ये दोनों चार्जेस पेयर ऑफ चार्ज नेगेटिव हो चाहे ये दोनों चार्जेस पेयर ऑफ चार्ज पॉजिटिव हो, तो सेंटर पर इंटेंसिटी मालूम करने के दौरान इधर हमेशा नेगेटिव रहेगा और सेंटर पर पोटेंशियल मालूम करने के लिए इधर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इधर आर स्क्वायर है और इधर आर है, वो आपको याद होगा। बाकी के की वैल्यू वही है, आप जानते हैं आर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी चार्ज Q1 हो या Q2 हो, ये प्लस ही रहेगा चाहे दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो चाहे दोनों चार्जेस नेगेटिव हो। अगर दोनों चार्जेस बराबर हो गए तो सेंटर पर पोटेंशियल डबल होगा, और अगर बराबर नहीं होंगे तो कोई और वैल्यू भी आ सकती है। इट इज द सेकेंड केस व्हेन टू सिमिलर चार्जेस आर देयर, द सेम इक्वेशंस आर यूज्ड व्हेन देयर आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय एनी डिस्टेंस विच आर नेगेटिव। नेगेटिव चार्जेस जो किसी डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, वहां भी डियर स्टूडेंट्स आप ये वाली चीजें इस्तेमाल करोगे, यही इक्वेशंस इस्तेमाल करोगे। लेट मी शेयर द केस नंबर 3, सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू हैव टू यूज। एंड द थर्ड केस आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट इज टू अपोजिट चार्जेस। अगर टू अपोजिट चार्जेस गिवन हो तो फिर कहानी क्या होगी? अपोजिट चार्जेस, मैंने फिर कहा वैल्यू की बात नहीं कर रहा, डियर स्टूडेंट मैं साइन और नेचर की बात कर रहा हूं। अपोजिट चार्जेस मीन कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, फिर क्या होगा? सो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और वैल्यू Q1 है, और अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है और वैल्यू इसकी Q2 है डियर स्टूडेंट्स, और आपसे कहें कि इसके सेंटर पर बताएं कि इंटेंसिटी क्या है और बताएं कि पोटेंशियल क्या है,
तो अब क्या करोगे, अब तो चार्जेस अपोजिट है, जब चार्जेस अपोजिट है तो वोल्टेज और इंटेंसिटी केस से पहले केस के इक्वेशन वही रहेंगे, सिर्फ साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटेंसिटी में माइनस था प्लस हो जाएगा और वोल्टेज में पोटेंशियल में प्लस था वो माइनस हो जाएगा। यानी इस केस में इंटेंसिटी का फार्मूला होगा के क्यू वन प्लस क्यू टू, के क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी चार्ज। बाकी कहानी वही है जो आप जानते हैं, अगर दोनों चार्जेस इक्वल भी हो गए तो अब इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। और पोटेंशियल का फार्मूला होगा के क्यू वन माइनस क्यू टू, कीप इन योर माइंड आप क्यू टू माइनस क्यू वन भी ले सकते हो, डजंट मैटर, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। और ये होगा आर, ये होगा आर, ये हमारे पास आर है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी पॉइंट एनी चार्ज। सॉरी, ये था केस नंबर थ्री। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, आप इस क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए दैट अगर मैं कहूं इन द गिवन फिगर वी हैव अ चार्ज Q1, इट इज अ चार्ज Q1 प्लस 10 कूलम, वी हैव अ प्लस 10 कूलम चार्ज एंड हेयर वी हैव अ माइनस 2 कूलम चार्ज, बड़ा ले लेते हैं थोड़ा। Let me consider we have another charge that is Q2 is minus 20 coulomb. एक plus 2 plus 10 coulomb है और एक minus 20 coulomb है. And they are separated by 4 meter. If they are separated by 4 meter, what are the electric field intensity and potential at the midpoint? मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? सो पहला ऑप्शन आपके लिए, पहला ऑप्शन हमारे पास आएगा दैट इज 30 के बाय आर स्क्वायर, 30 के डिवाइड बाय आर नहीं लेना चाहता, डिवाइड बाय 4, 30 के डिवाइड बाय 4 एज वेल एज 10 के डिवाइड बाय 2, 10k by 2, याद रखना पहले इंटेंसिटी है, सो द फर्स्ट वैल्यू विल बी करिस्पॉन्ड्स टू इंटेंसिटी, सेकंड विल बी पोटेंशियल। एक और ऑप्शन लिख लेता हूं, ऑप्शन बी दैट इज 30k by 2 और दैट इज 5k by 4, ऑप्शन सी लिख लेता हूं दैट इज 30k by 2 और दैट इज 10k by 2, एहतियातन ले रहा हूं नॉन ऑफ दीज, और मैं नॉन ऑफ दीज पे बात करने वाला हूं। नॉन ऑफ दीज जो है, अब देखते हैं, ये मैंने इसलिए लिखा, हो सकता है मैं गलत कैलकुलेट कर रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन बन गया, मैंने सॉल्व नहीं किया, अब देखते हैं सॉल्व करते हैं। एज दीज आर अपोजिट चार्जेस, सो वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट्स इक्वेशंस ऑफ अपोजिट चार्ज सेंटर पर। जो है अपोजिट चार्ज के लिए आपको इंटेंसिटी बताया था कि के क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मैंने Q2 माइनस Q1 लिया क्योंकि मैंने Q2 की वैल्यू ज्यादा ली है, मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा कर सकते हो, डजंट मैटर, ऐसा हो सकता है। सो Q2 माइनस Q1, लेकिन यहां सिर्फ वैल्यू पुट करोगे, साइन पुट नहीं करोगे, अच्छा है मैंने ऐसा किया। आप याद रखिए कि जो इक्वेशंस मैंने आपको बताए, उन इक्वेशन से सोल्यूशन निकालने के लिए आप वैल्यू ऑफ चार्ज पुट करोगे, साइन ऑफ चार्ज पुट नहीं करोगे। साइन ऑफ चार्ज ऑलरेडी इन फार्मूलों को प्रूफ करने में इस्तेमाल हो चुका है, यह बात बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो आपके आंसर गलत हो और मुफ्त में आपकी बददुआओं का वो बददुआ से जो है वो मेरा सामना हो और मेरी आपकी बददुआएं लगे, अल्लाह ना करें। लेकिन फिर सुने, मैं फिर बात कर रहा हूं कि जो फार्मूले मैं बता रहा हूं, इन फार्मूलों के प्रूफ में साइन ऑफ चार्ज इस्तेमाल हो चुके हैं, तो आप इधर वैल्यूज पुट करने के दौरान साइन पुट नहीं करोगे, ये बात फिर से सुन लीजिएगा। यानी यहां 20 कूलम में पुट करूंगा, माइनस 20 पुट नहीं करूंगा, ये फार्मूले में ऑलरेडी ये माइनस प्रूफ हो चुका है, एक बार यूज हो चुका है। एनी हाउ यूज करें, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के की जगह के क्यू टू हमारे पास है 20 और क्यू वन हमारे पास है 10, वैल्यू के साथ यहां साइन पुट नहीं करोगे। आर की वैल्यू क्या है, देखो टोटल डिस्टेंस 4 है तो सेंटर का मैंने आर कितना लेना है 2, फॉर्मूले में तो सेंटर का, तो ये हो गया 2 लेकिन स्क्वायर होगा। अब 20 माइनस 10 बता सकते हैं 10,
10k/4, इट मीन इट इज 10k/4। देखो इसमें इंटेंसिटी में 10k/4 है ही नहीं, सारे मैंने 30 के लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नॉन हो गया। दूसरा अच्छे बच्चे मालूम ही नहीं करेंगे, लेकिन हम इतने भी अच्छे बच्चे नहीं है, हम मालूम कर लेते हैं। तो वोल्टेज इज इक्वल टू, वोल्टेज क्या है, आप कहें सर अपोजिट चार्जेस है, तो के वंस अगेन Q2 प्लस Q1 लेना चाहो, Q1 प्लस Q2 लेना चाहो, आपकी मर्जी है। सिर्फ इसमें R पर स्क्वेयर नहीं होगा और यहां वैल्यूज प्लस होंगे, प्लस साइन यूज नहीं करना, K की जगह K और Q2 की जगह 20, और ये है जनाब Q2 की जगह 20, और मुझे लगता है मैंने इंटेंसिटी में माइनस पुट किया, यहां प्लस पुट कर दे प्लीज, और ये प्लस कर दे तो 20 + 10 तो ये 30 हो जाएगा, और 30k/4, ये 30k/4 है, मैंने तो उल्टा पुट कर दिया, आपने उल्टा पुट नहीं करना, वीडियो रिवाइंड करें, और मैंने आपको इंटेंसिटी में पॉजिटिव साइन लिख के दिया है, अपोजिट चार्जेस है, तो 20 + 10 30, और 30 / k ये है जनाब 30k/4, और ये वाला ठीक हो सकता है, फिलहाल नॉन से दूर रहे, फिलहाल नॉन से दूर रहे। अब हम वोल्टेज मालूम करेंगे, और मैंने आपसे कहा कि जब अपोजिट चार्जेस हो तो वोल्टेज के इक्वेशन में फिर माइनस लिखें। अच्छा माइनस लिखें तो आप लिखते के Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय R। अब देखिए जनाब K की जगह K, ये 20 - 10/2, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज वोल्टेज इज इक्वल टू 20 - 10 = 10, सो 10k/2 ये करेक्ट आंसर होगा, 10k/2। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, मेरी जजमेंट इतनी भी बुरी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।